वर्चुअली उज्जैन को सौगात देंगे पीएम, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल में होंगे। इस दौरान वे नायर रंग रूप में बनकर तैयार हुए कमलावती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, साथ ही उज्जैन फतेहाबाद रेल मार्ग का भी लोकार्पण करेंगे। इसके लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर व्यवस्था देखने के लिए रतलाम मंडल के DRM और उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया पहुंचे। यहां अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर वर्चुअली होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम की रूपरेखा को देखा और ऑनलाइन तकनीक के लिए लगाए गए साझा सामान के बारे में जानकारी ली। दरअसल कल दोपहर 2 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। इस दौरान पीएम मोदी उज्जैन स्टेशन पर खड़ी डेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर फतेहाबाद होते हुए इंदौर के लिए रवाना करेंगे। ठीक इसी समय इंदौर से भी एक डेमो ट्रेन उज्जैन के लिए रवाना होगी। रतलाम मंडल के PRO खेमचंद मीणा ने बताया कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था की गई है, एक LED लगाई जा रही है, साथ ही अलग अलग कैमरे और तकनीक के माध्यम से पीएम मोदी जुड़ेंगे। व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया ने भी आम लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो, यह शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है। करीब 7 साल के लंबे इंतजार के बाद उज्जैन फतेहाबाद के 23 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग पर यात्री ट्रेन चलने का समय आ गया। रेलवे ने पीएम के कार्यक्रम के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 245 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस रेल लाइन को राष्ट्र को लोकार्पित करेंगे। इस रेल मार्ग पर चलने वाली गाड़ी का समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है, जल्द ही समय सारणी बनकर आने के बाद रेगुलर ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। कल माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल हमारे उज्जैन का उज्जैन फतेहाबाद ब्रॉडगेज का लोकार्पण है और रेलवे स्टेशन का भी लोकार्पण है, चिंतामण और विक्रम नगर स्टेशन, तो उसका स्थानीय कार्यक्रम हम यहाँ पर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे होने वाला है और ये लगभग 250 करोड़ की योजना है जिससे उज्जैन और इंदौर और रतलाम की ग्रामीण जनता को इससे सीधा सीधा फायदा होने वाला है। तो फतेहाबाद और उज्जैन सेक्शन है ये खुल जाएगा कल से और इसके बाद में यहाँ से डेमो ट्रेन चलेगी, इंदौर से भी एक डेमो ट्रेन चलेगी उज्जैन के लिए, उज्जैन से भी एक इसके लिए ट्रेन चलेगी इंदौर के लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया पैसेंजर एमटीज रहेगी, एक नया ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि एक वैकल्पिक मार्ग हो जाएगा, क्योंकि इंदौर से जाने देवास से उज्जैन की तरफ जाने के लिए हमें 80 किलोमीटर का वो करना पड़ता था, अभी क्या है कि 67 किलोमीटर से ही ये दूरी तय हो जाएगी और टाइम भी बच जाएगा पैसेंजर के लिए। और एक नया वैकल्पिक मार्ग अगर ट्रैफिक मिलता है तो गाड़ियाँ भी बढ़ेगी और आने वाले टाइम में दूसरी मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी चलेगी, तो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही एक गिफ्ट है और एक बहुत ही अच्छा एक संकेत है।